Morning students, how are you? I hope all of you are fine at your home. I'm Shalini Chhabra, your English teacher. As you can see, the board behind me. Yes, I'm standing here in your own school, Spring Daisy Convent School, and giving you online classes from here. Let us start our topic, noun. Noun kya hota hai? Aaj hum yeh janenge. Noun, words that tell us about the name of a person, place, animal or thing are called nouns. Aise shabd jo hume name, place, animal or thing, cheez ke vastu ke bare mein batate hain, vah noun kehlate hain. Noun ko hindi mein kya bolte hain? Sangya. To kisi bhi vyakti, person, place, jagah, name, animal, जानवर और थिंग किसी वस्तु के बारे में जिससे हमें कुछ पता चलता है वह संज्ञा कहलाती है. तो नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. फॉर एन एग्जांपल दिव्या, जयपुर, लायन, टेबल, ये सब क्या हैं? नाउन. नाउन संज्ञा. अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब हम जानेंगे कि फर्स्ट हमारे प्रॉपर नाउन के बारे में. प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी पर्सन, किसी प्लेस और किसी थिंग के बारे में होता है. एग्जाम्पल नेहा, डेली, बुक्स. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम पर्टिकुलर क्या है इसके अंदर और ये प्रॉपर नाउन कैसे है? जैसे कि मान लीजिए, अब मैंने बोला नेहा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. तो अगर मैं ये बोलती शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो क्या आपको पता चलता कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? नहीं. लेकिन जब मैंने वहाँ पर नाम डाल दिया नेहा, तो नेहा क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. अगर मैं बोल देती इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या आपको पता चलता कि वो किसके बारे में बात कर रही हूँ? नहीं पता चलता. दिल्ली बोलते ही हमें पता चल गया कि हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं. सेकेंड इज कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ कॉमन टू एवरी मेम्बर ऑफ अ क्लास ऑफ काइंड. कॉमन नाउन क्या होता है? जिसके अंदर एक कॉमन नेम होता है किसी भी काइंड का, किसी भी क्लास का. जैसे एग्जाम्पल लॉयर, फ्रेंड, मॉल, डॉक्टर. क्या इसके अंदर हमें पता चला कि अगर मैं किसी डॉक्टर का नाम ले दूं कि शी इज़ अ गुड डॉक्टर, तो क्या आपको पता चलेगा? अगर मैं उसका नाम लूंगी तब तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. डॉक्टर तो फीमेल और मेल दोनों ही हो सकते हैं, या लॉयर है वो भी मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं. तो कॉमन नाउन क्या होता है? जिसके अंदर हमें पता नहीं चलता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए एक क्लास है हमारी, अगर मैं उस बच्चे का किसी का नाम लेती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, और अगर मैं गर्ल, बॉय ये बोल देती हूँ तो वो कॉमन नाउन हो जाता है. थर्ड इज कलेक्टिव नाउन. इज अ नेम ऑफ गिवन टू ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड टेकन टुगेदर. कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो पूरे समूह में होते हैं. अब वो समूह लोगों का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है. जैसे कि बंच, क्लास, गैलेक्सी, प्राइड. तो बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो गुच्छा हो गया, ग्रुप की तरह हो गया वो, किसका? अंगूरों का. सेकंड इज क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. अब जो पूरी क्लास है जो बच्चों की, स्टूडेंट्स की, तो वो क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन. थर्ड इज गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स. एक गैलेक्सी है उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, तो वो वहाँ पर समूह हो गया. फोर्थ इज प्राइड, प्राइड ऑफ लॉयन, थी लॉयन का समूह. फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट, इज द नेम गिवन टू अ क्वालिटी, कॉन्सेप्ट, आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग. ये नाम दिया जाता है किसी क्वालिटी को, कंसेप्ट को, आइडिया को, एक्सपीरियंस और फीलिंग को. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक मेन पॉइंट यह होता है कि ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं, केवल और केवल हम उसको फील कर सकते हैं. एग्जाम्पल काइंडनेस, एंगर,
पॉवर्टी, ऑनेस्टी। अब काइंडनेस, अगर कोई इंसान बहुत दयालु है, जैसे मैं बोल दूँ हर्ष इज अ काइंड पर्सन, तो हमें उसको काइंडनेस को फील करेंगे। एंगर, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी को हम वहाँ पे फील करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है आप वो कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।